हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज विकास एंड आई होप यू डूइंग ग्रेट. आज का हूं मैं नई वीडियो के साथ. तो आज की वीडियो के बारे में आपने थंबनेल से देख चुके होंगे. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आजकल आप लोगों को जो मेल मिल रहे होते हैं कि वी आर स्टिल वर्किंग ऑन ए प्रोफाइल, ये मैसेज आपका एप्लीकेशन के लिए वेट कर रहा है, सच काइंड ऑफ थिंग्स. और लोग उसको देख के बहुत ज्यादा डाउट होता है कि ये मैसेज मुझे क्यों मिल रहे हैं, या क्या ये सबको मिले हुए हैं, या क्यों ऐसे मैसेज आते हैं, इनका क्या मतलब हो सकता है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग दिस वीडियो. तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू दिस. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक किया करो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है. मैं और भी ज्यादा अपडेट्स आपके लिए लेके आया करता हूँ. एंड वन थिंग, इफ यू डू हैव एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है. इवन मैं अपने इंस्टाग्राम पर रियल वीडियो के थ्रू आपको रिसेंट अपडेट्स भी दिया करता हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है. तो चलते हैं वीडियो में बिना किसी देरी से, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ईमेल की, दैट इज वी आर स्टिल वर्किंग ऑन योर एप्लीकेशन. ये देखो, इस चीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि क्योंकि मैंने देखा मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आई जिसमें ये था कि भाई मुझे ये मैसेज है, मुझे ये मैसेज है. उन सबको देखने के बाद मुझे ये लगता है कि अभी क्योंकि कनाडा में जो रिसेंटली इलेक्टेड IRCC के मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा कि वही आते उन्होंने बताया कि वी आर गोइंग टू क्लियर दिस बैकलॉग, हम आपके रिजल्ट बहुत अच्छे खासे देंगे. तो उस चीज़ को देखने के बाद ये मैसेज ऑलमोस्ट सबको फॉरवर्ड कर दी गई थी. जब एक एप्लीकेंट को बहुत टाइम से वेट कर रहा होता है, उनको इस टाइप का मैसेज मिलता है जिसमें ये लिखा होता है वी आर स्टिल वर्किंग ऑन योर एप्लीकेशन, तो एक टाइप का रिलीफ मिलता है. भाई ठीक है, माई फाइल पे काम चल रहा है, भले उसके रिजल्ट थोड़े से टाइम बाद आए. और सीरियसली अगर ये मैसेजेस आते हैं तो मुझे लगता है कि होपफुली आपके रिजल्ट भी जल्दी से आ जाएंगे. तो ये थी पहली मेल की बात. वहीं दूसरी मेल के साइड मूव करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है अ मैसेज अबाउट योर एप्लीकेशन इज वेटिंग फॉर यू. इसको घोस्ट मेल कहा जाता है. एक्चुअली घोस्ट मेल का मतलब होता है कि ऐसा मेल जिसमें सिर्फ आपको मेल के थ्रू बताया जाता है कि ये चीज़ें होने वाली हैं, बट आपको सारी चीज़ें जाके GCK में पता लगता है. अब जब आप GCK में इंटर करते हो तो मैंने बहुत सारे एप्लीकेंट्स से ये भी सुना कि ये मैसेज आने के बाद उनको GCK में कोई अपडेट नहीं आया था. और बहुत लोगों ने बताया कि उनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगी गई थी, या किसी को अलग टाइप के लाइक उनको IELTS के स्कोर ऐसे अपडेट करने के लिए बोला गया, या कुछ भी ऐसे जो मिस्टेक्स हैं वो सारी चीज़ें अपडेट करने के लिए कही गई थी. तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जो ये वाला मैसेज है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. और इस मैसेज को आप इग्नोर मत करना. ये आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए होगा कि भाई कभी कभी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट है और आपने नहीं दी, तो उससे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है. अभी रिसेंटली जो आप क्यूबे की फाइलों का देख रहे हो, तो लोगों को ऐसे मैसेज आए थे जिसपे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उससे क्या हुआ, उनकी फाइल में एप्लीकेशन डिले हो गई. तो आई सजेस्ट यू कि अगर आपको ऐसे मैसेजेस मिलते हैं तो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस. ये आपके लिए अच्छा है और इस पर आप और अच्छे से ध्यान दो. और अगर ऐसे मैसेज आते हैं तो आप अपने एजेंट को भी बताओ कि सर मुझे ये मैसेज मिला हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे जाके GCK को चेक करो जिसमें शायद कोई अपडेट आया हो. या कभी कभी इन मैसेजेस के थ्रू आपके PPRs भी आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है. और क्योंकि मैंने ऐसा सुना भी है कि लोगों को ये मैसेज आया, फिर उनके करेस्पॉन्डेंस लेटर में कोई अपडेट आई, किसी का VVL आ गया, तो ये सारी चीज़ें थी. तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो. और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और भी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, एनशी प्रसाद. तब तक के लिए ओके बाय, टाटा.